शाहरुख खान से लेकर तापसी तक डंकी के लिए इन सितारों ने वसूली है इतनी फीस। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। क्रिसमस पर धमाल मचाने आ रही डंकी के लिए फैंस भी सुपर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बीते दिनों डंकी का पहला ड्रॉप वीडियो जारी किया गया था। बता दें कि ये ड्रॉप 1/3 के साथ बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। इसी बीच पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस बिग बजट फिल्म के लिए किस स्टार ने कितनी फीस चार्ज की है, ये सवाल तो हर किसी के मन में चल रहा होगा। तो जान लीजिए, शाहरुख खान प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक जितना प्रॉफिट फिल्म का होगा, शाहरुख खान को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फीस मिलेगी। इस फिल्म में लीडिंग लेडी के किरदार में तापसी पन्नू नजर आ रही है। हालांकि मनु के रोल के लिए एक्ट्रेस ने 11 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। सैम बहादुर के ट्रेलर से सबको इम्प्रेस करने वाले विक्की भी डंकी में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वो सुखी का किरदार निभा रहे हैं। इस रोल के लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। ये एक्टर पहले भी शाहरुख खान संग फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में उन्हें गुलाटी का अहम किरदार निभाने के लिए चुना गया है, जिसके लिए वो 15 करोड़ की फीस वसूल रहे हैं। इनका नाम बोवन ईरानी है। 9 साल के लंबे समय के बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे सतीश शाह भी डंकी में नजर आने वाले हैं। हालांकि इस फिल्म के लिए वो 7 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं।